दोस्तों, मैं हूँ मल्लिका संदीप और आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है कनाडा एंड दिस एपिसोड इज डेडिकेटेड टू माय किड्स संचित एंड सुरभि बिकॉज दे लिव इन कनाडा। कनाडा के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं और भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश होने के बावजूद ये दुनिया के सबसे कम आबादी वाले देशों में से एक है। कनाडा का नाम शब्द कनाता से पड़ा जिसका अर्थ होता है विलेज। इस देश में कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। कनाडा का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन करता है। कनाडा की संस्कृति में मेपल के पेड़ की पत्ती को महत्वपूर्ण माना जाता है और वहां पे आपको मेपल सिरप, मेपल चॉकलेट्स, मेपल होम डेकोर, काफी चीजें मेपल्स की मिलेंगी। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक है और इनके राष्ट्रीय ध्वज पर भी प्रमुखता से अंकित है। कनाडा का राष्ट्रगान ओ कनाडा पहली बार 24 जून 1880 को फ्रेंच में लिखा गया था। अक्टूबर 2007 में रॉयल कैनेडियन मिंट द्वारा मिलियन डॉलर कॉइन नामक एक ठोस सोने का सिक्का ढाला गया जिसका मूल्य 1 मिलियन डॉलर था। ये सिक्का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का दुनिया का सबसे बड़ा सोने का सिक्का है। दुनिया में सबसे ज्यादा मैक्रोनी और चीज कनाडा में पाए जाते हैं, तो अगर आप मैक्रोनी और चीज खाने के शौकीन हैं तो कनाडा को विजिट जरूर करिए। बास्केटबॉल का आविष्कार कनाडा के डॉक्टर जेम्स नाई स्मिथ ने 1891 में किया था। सऊदी अरब और वेनेजुएला के बाद कनाडा के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है जिसके कारण ये देश काफी अमीर होता जा रहा है। टोरंटो में दुनिया की सबसे लंबी सड़क लॉन्गेस्ट स्ट्रीट इन द वर्ल्ड है जिसका नाम योन स्ट्रीट है। कनाडा में पुलिस की वर्दी दुनिया के बाकी हिस्सों से बहुत अलग है। वर्दी की वजह से इसे रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस कहा जाता है। विनी द पू का नाम किसने नहीं सुना है। इस कार्टून कैरेक्टर को जो जिन्होंने लिखा था उन्होंने इसको लिया था एक फीमेल ब्लैक बियर से जो कि वाइट रिवर में पाई जाती थी ऑन्टोरियो में। हॉलीवुड की तरह कनाडा की अपनी खुद की फिल्म इंडस्ट्री है जिसे हॉलीवुड नॉर्थ कहा जाता है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो कनाडा में ग्रेविटी सबसे कम पाई जाती है। दुनिया में कुल 25,000 पोलर बियर हैं, जिसमें से 15,500 कनाडा में पाए जाते हैं। चर्चिल शहर के निवासी जानबूझकर अपनी आकारों और कभी कभी अपने घरों को भी उन लोगों के लिए खुला छोड़ देते हैं जिन्हें ध्रुवीय भालू से बचने की आवश्यकता होती है। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में घरों से ज्यादा चर्च है इसलिए इसे सिटी ऑफ चर्च भी कहा जाता है। कनाडा में प्रति व्यक्ति डोनट की दुकानें पूरी दुनिया में किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक हैं। और वहाँ की जो सबसे फेमस वाइन है उसको हम आइस वाइन कहते हैं। ये अंगूर से बनी शराब है जहाँ अंगूर शराब पर जम जाते हैं। कनाडा पे अमेरिका ने दो बार हमला किया था 1775 को और 1812 में और दोनों बार अमेरिका की हार हुई थी। दुनिया के आधे से ज्यादा अखबार सिर्फ अमेरिका और कनाडा में ही प्रकाशित होते हैं। कनाडा का राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क ऑफ कनाडा पूरे स्विट्जरलैंड से भी बड़ा है। कनाडा में किसी की भविष्यवाणी या ज्योतिष करना कानूनी अपराध समझा जाता है। और कनाडा में मैकडोनाल्ड्स एक स्पेशल लॉबस्टर बर्गर बेचता है। ये केवल अटलांटिक कनाडा क्षेत्र में गर्मियों में उपलब्ध होता है। ये थी कुछ जानकारी कनाडा के बारे में। खुश रहिए और हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी दूसरे एपिसोड में। अपना ध्यान रखिए एंड गुड बाय।